गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। गाइज ये ब्लॉग होने वाला है मेरे बर्थडे का और आज मेरा बर्थडे है तो सबसे पहले तो जिसने मुझे विश नहीं करा वो फटाफट से बर्थडे विश कर दो मुझे, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी नहीं पता गाइज मैं क्यों खुश हूँ, पता नहीं, बट क्योंकि बर्थडे वाले दिन अलग ही एक्साइटमेंट होती है ना, तो शायद वही बात है। तो अभी 10:30 बज गए हैं सुबह के और मुझे कुछ नहीं पता क्या होने वाला है क्या नहीं वाला, क्योंकि गाइज मैं घर में बर्थडे इस बार नहीं बना रही क्योंकि भाई वगैरह सब कावड़ लेने गया हुआ है, तो मैं घर पे तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकती और बाहर शायद मतलब ये सब मिलकर भी सरप्राइज़ दे रहे हैं और थोड़ा इसीलिए मैं घर पे इस बार सेलिब्रेशन करूँगी तो केक वगैरह काटूँगी, घर पे इस बार नहीं कर रही कुछ प्रॉब्लम की वजह से। और नंदन ये रही, अब मुझे नहीं पता गाइस इन्होंने मतलब बाहर सेटअप पे जहाँ वीडियो बनाते हैं बोल रहे हैं वहीं पर केक काटेंगे, वहीं पर कुछ छोटा सा सरप्राइज़ करा है। मुझे नहीं पता क्या करा इन्होंने क्या नहीं करा, मुझे भी नहीं पता इस ब्लॉग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और क्या क्या होने वाला है, बट आगे तक जरूर देखते रहना क्योंकि जैसे मुझे सरप्राइज़ मिल रहा है ना आपको भी सरप्राइज़ ही मिलेगा। आगे क्या क्या होगा जैसे मेरे रिएक्शन होंगे ना तो शायद पता नहीं आपके ब्लॉग देखे कैसे हों, बट देखते हैं क्या होता है। अभी मैं आपको मम्मी से बुलवाती हूँ, खुशी नहा के आइए बस अभी, फिर हम रेडी होंगे। और गाइस एक बात और, मतलब जो मेरी ड्रेस ना बर्थडे ड्रेस जो मतलब मैंने बर्थडे पे आज पहनूंगी वो मैंने खुद अपने आप से सूट सिला है, मतलब अनारकली गाउन बोल सकते हो आप उसे वो, और बताना कैसा सिला है ना और बताना कैसा लगेगा मेरे ऊपर खुशी नहा के जाने के लिए अभी नहीं। चलो अभी मैं आपको मम्मी से मिलवा दूँ, अभी आ गई है मम्मी, चलो मुझे सबके सामने बर्थडे विश करो। मम्मी ने वैसे बताया मुझे गाइस रात को 12 बजे विश करा था मम्मी ने मुझे हैप्पी बर्थडे, लेकिन अभी आप सबके सामने भी करवाऊंगी। मम्मी मैं दोबारा बोलो मेरे को हैप्पी बर्थडे आओ बर्थडे बोलो। हाय गाइस हैप्पी बर्थडे, थैंक यू गाइस। रात मम्मी ने 12 बजे कर दिया, मम्मी को थोड़ी सी टेंशन हो रही है, क्यों हो रही है क्योंकि भाई कावड़ लेने गया तो उसने नीलकंठ की चढ़ाई करी होगी तो उसके पैर सूज गए, सूज गए पहली बार। हाँ पहली बार गया ना तो उसके पैर वगैरह सूज रहे, तो मम्मी को टेंशन हो रही है कि क्यों सूज रहे हैं, तो इस वजह से ही मम्मी थोड़ी सैड सैड सी हैं, बट कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, पहली बार गया ना तो इसलिए चढ़ाई करके होगी हो गया होगा ना, भोले बाबा जी उसे सब ठीक करेंगे। शिव जी है ना, शिव जी कावड़िया को कभी कुछ भी परेशानी नहीं होने देते, सब अपना ठीक कर देते हैं। और खुश नंदनी कहाँ है, वो अंदर है। चलो गाइस अब मैं रेडी होती हूँ, आपको अपनी बर्थडे की ड्रेस दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनूंगी, ठीक है ना। और बता मम्मी कैसी लग रही है बर्थडे की ड्रेस, बताओ। अच्छी लग रही है, अब आपको भी देखना है ना, चलो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। इसमें सिली है गाइस अपने हाथों से। हाँ अभी मैं पहन के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं मतलब मैंने आप पहले मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तकाला पूरे बाहर घूम घूम के हो रहा, पूरे दिन बाहर घूमता है, लेकिन दिखाइए जरा मुझे। ये मैंने खुद सिला है अपने इन हाथों से, मेरे को पता है गाइस जब मैंने सिला था ना तो मैं जब सिल रही थी तो मेरे को लग रहा था कि इतना अच्छा बन जाएगा, बट जैसे मैंने सोचा था ना ये उससे भी ज़्यादा अच्छा बना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है ना। आपको नीचे से दिखाते हैं और बाकी मैं आपको ना आगे दिखाऊंगी, क्योंकि अभी यहाँ पर स्पेस कर रहे तो दिख नहीं पा रहा सही से, मैं जब बाहर जाऊंगी ना तब आपको पूरा दिखाऊंगी। और ये मेरी बाजू जो ज़्यादा मतलब मैंने चूड़ीदार बाजू बनाई थी अपने सूट की, तो उसकी वजह से मेरे ये चूड़ी सूट के ऊपर आ रही है बार बार, बट कोई नहीं, आप मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और अभी हम रेडी हो रहे हैं, फिर हम जाएंगे बाहर, तो रेडी चलो प्रिंस मेरे लिए गिफ्ट लाया है, ये बोल रहा है कि मैं यहीं पर दूंगा गिफ्ट, तो मैं अपना तो मेरा छोटा सा मुन्ना सा गिफ्ट है, छोटा बड़ा नहीं होता, गिफ्ट गिफ्ट होता है। क्या मैं काला कोई बात नहीं, इसमें पसीना पसीना हो रहा था, इतना काला नहीं है, ये बाहर घूमता है ना धूप में इसीलिए आपको लग रहा है ये। अभी तो रियल गिफ्ट रहना है, थैंक यू। अरे कहाँ चला गया, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है गाइस, चॉकलेट बहुत 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 पसंद है, माय फेवरेट चॉकलेट्स। ओए यूं कह रहा है छोटा गिफ्ट ये क्या है, जब से गाइस मेरे से ये कह दे रहा दीदी मेरे पैसे नहीं थे इसलिए मैं गिफ्ट नहीं लाया, तुम गुस्सा मत हो ना मैं चॉकलेट लाया हूँ, मुझे से कर रहा है ये मैं से गिफ्ट खोल देता इसे जाओ। मैं बहुत
अपने दूध पिया मेरे को दूध में देगी मेरे को ठीक है ना। अरे मेरे को दूध इसमें नहीं मिला ना। हे मुझे भी यही चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार मिला है। मेरे बर्थडे पर तुमने अब मैंने प्रिंस का गिफ्ट ले लिया। बहुत ही प्यारा गिफ्ट लगा मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा। अब मैं रोज़ इसी में चार कॉफ़ी जो भी हो दूध सब इसे पीऊँगी। बहुत ही प्यारा लगा मुझे, चाहिए बेटा क्योंकि मेरा कप जो था वो टूट गया था। गाइस नंदिनी ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, बहुत ही बड़ा है। मैं एक्साइटेड हूँ इसको खोलने के लिए कि क्या है। और इसको मैं इसलिए खोल रही हूँ क्योंकि जहाँ हम केक कट करने जा रहे हैं वहाँ मतलब उन्होंने सरप्राइज दिया, मुझे नहीं पता क्या सरप्राइज है। तो ये बोल रही थी तुम यही खोल लो क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा है तो कभी खोल जाए ना। मुझे घर के फोटो नहीं मिला एक भी। जो मेरा बीच का फोटो बहुत मुश्किल में लगा अब मैं प्रिंस नंदनी खुशी ये हम जा रहे हैं। पता नहीं सेटअप है, सेटअप तो दूसरा सेटअप बनाया हमने। दूसरा सेटअप कब बनाया पता नहीं, मेरे को नहीं पता, लोकेशन आई है मेरे पास। सचिन दूसरा सेटअप खोल लिया क्या? कार भी दूसरी ले ली देखी है। कार भी दूसरी है। चलो गाइस देखते हैं दूसरा सेटअप कहाँ है। बाल भी दूसरे देगा, आज गोरा हो गया मैं। अब तो बता तुम्हारा मतलब तुम्हारा इसने फोटो फ्रेम बनाया है, तुम भी ये फोटो फ्रेम बता। ये यहाँ लेके आए थे फोटो फ्रेम को, लेकिन मम्मी अरे बड़ा था इसीलिए। अरे कार में लेकिन फिर मम्मी कह रही टूट जाए सही नहीं है इसीलिए फिर मम्मी कह रही यही खोल ले। तो गाइस मैं आपको आगे दिखाती हूँ ठीक है। पता नहीं मेरे को कुछ नहीं पता है कौन सेटअप पे जा रहे हैं, मैं आपको आगे दिखाती रहूंगी। महंगा सेटअप बनाया है, महंगा बिल्कुल महंगा महंगा नहीं होना चाहिए। देखो महंगा सोची ना हो, इतना महंगा होना चाहिए कि दीदी क्या उसे टपक जाए। हाँ कभी मेरा बर्थडे ऐसे होता है। एयरपोर्ट्स गिफ्ट गेट 15,000 के हैं। ये मेरे बहुत ज्यादा पागल बना रहे हैं। पहले इन्होंने बोला कि सेटअप पर है, फिर सेटअप से बोला लोहे पार्क में है। अब लोहे पार्क से पता नहीं टेढ़े मुड़ गए, अब बोल रहे ऑक्सी में है। अब ये मुझे बता रहे की फ्लैट में, अब फ्लैट आ गया, अब पता नहीं कहाँ कहाँ आएगा। अभी मत बोल देना हरिद्वार में। देखो लोकेशन ये रही, मुझे भी नहीं पता ना तो लोकेशन थोड़े लगा था। चलो ठीक है गाइस मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पता नहीं मुझे कहाँ ले आए हैं। और ये मुझसे कह रहे हैं कि यहाँ पर लोकेशन खत्म हो गई। अब देखो यहाँ पे चाहो तो मुझे कुछ भी दिख रहा ना, मुझे यहाँ सेटअप दिख रहा ना, मुझे यहाँ लोया पार्क दिख रहा और ना मुझे कुछ दिख रहा। नहीं इतने बेकार भी नहीं है कि वो ऐसी जगह कटवाएंगे गाइस। बर्थडे गर्ल को जब कुछ पता नहीं होता ना ऐसा लगता है कब पता चले कब क्या होगा कब दिखे। हमने दीदी के हाथ पे पट्टी बांध दी है गाइस। देखो इन्होंने मुझे अंधा कर दिया है और मेरे को नहीं समझ आ रहा कहाँ जा रही हूँ। अब इन्होंने मेरे को चार लोकेशन बताई, चारों रुपए से कहीं भी नहीं है। सेटअप लोहिया पार्क ऑक्सी यहाँ कूड़े में चारों हो गई। अब पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। तुम कहाँ बोल दियो दीदी कहाँ है वाला नवाब। तो अभी से क्यों फोन करी मेरी आप? तो गाइस चल के मैं दिखाते हैं आपको, मुझे भी आराम से ए, तुम भी पकड़ लो खुचड़ी। Thank you.
स्टार्ट हो। हेलो बोलो, इनको तो आप जानते ही हो। यार कौन बुला रहा है, जल्दी हो रहा है पानी यहाँ पे। अंजलि अंजलि क्या लिखा हुआ है शिवानी के ऊपर, क्या लिखा है इस पे? अंजलि देखो ये अंजलि 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 तुमने बॉक्स का काम कर लिया। ये किसका है? ये रहे मम्मी ने लान ना दिया, मेरे टूट जाएगा। थोड़ा थोड़ा ना इस पे पैकिंग के अंदर पैकिंग, अरे वाह पैकिंग के अंदर पैकिंग। ये ऑर्डर लेके मंगाया हुआ है ना? नहीं अरे वाह दीदी, दीदी फोटो ये वाली फोटो होगी इसमें। अरे वो दी ये उतार दो, उनसे उनसे लग रहा है। चलो खोलो खोलो, देख लिया सोने के लिए किलो किलो सकल तो दिखा दो। ये भी हमारे लाल, ये जतिन लाल है। मैंने रेड भाई लाल है, ये प्रेम का गिफ्ट की पन्नी लाल है। तुमने ये भी बोला वाला रेड वाला, ये रेड आओ तुम या तो फोन पकड़ लेना। ये प्रेम का तन्न को दे दूंगा। ये क्या फ्रॉक है क्या? हां नहीं बाद में देख लेना। और ये फ्रॉक है, किसने ये चलती है नहाने, उनको सबर नहीं हो रहा बिल्कुल भी। आप
नहीं। ये किसने दिया? ये बहुत अच्छा है। अरे ये किसका है? ये खोलो, भविष्य की तैयारी हो रही है। क्या नहीं नहाओ निकलो, नहाओ चलो कहीं और। आप लोग सब ले ये ये एक ही दुकान बोल रहे हैं। आपको किसका है? आपको किसका है? मैं हूँ ना। और तुम? पासपोर्ट 8 इंच जल वाले से पहले। और जल वाले में ये ले रही थी। चलो भाई खत्म हो गए अंजलि। दो दिन बाद आएगा ना फोन दे रही गाइस सब खा रहे हैं बहुत अच्छा। मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा गए। अभी तो मेरी शक्ल बेकार हो गई है क्योंकि आपने देखा मैं आई कैसे हूँ, कैसे गई क्योंकि नहाए थे। मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे भी नहीं आता बोलना। हेलो गाइस, तो मैं बोल के ना तुम्हारा एक तो मेरी शक्ल इतनी बुरी हो रही है ना इस टाइम, शक्ल इतनी बुरी हो गई ना क्योंकि स्विमिंग पूल के पानी से चेहरा ब्लैक पड़ जाता है। गाइस अभी हम कहीं रुके हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे फिर घर जाएंगे। आवाज कट रही है।
गाड़ी में ना बैग है, मेरा बैग निकाल लिया। मम्मी को बहुत मिस कर रहा है, मिस यू मम्मी। मैं आ चुकी हूँ घर पर और मेरी हालत तो वही, मुझे अपने आप को देख देख के मैं ऐसे लग रहा ना गई कैसी थी और हो कैसे गई। मतलब बहुत ही, बस हमने बस गाइस मम्मी को मिस करा, मैंने आपको व्लॉग में बताया था, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर मैं मम्मी को भी लेके जाऊँगी, क्योंकि गाइस मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या है। मैं आपसे बोल रही थी ना, मुझे भी नहीं पता कि मेरे लिए क्या कैसे प्राइस है, वो सब मुझे वहीं जाके मिला है और मम्मी को भी मैंने आके बताया। कोई बात नहीं है, फिर चलेंगे। हाँ, सब उनकी मम्मी सब सब यही बोल रही थी। इसलिए मैं तो जा रहा हूँ मम्मी को। हाँ, और गाइस सारे गिफ्ट आपने देखे, मेरे को सारे गिफ्ट एकदम बेस्ट मिले हैं, सबसे अच्छे है ना। और गिफ्ट कैसे हैं सारे? बहुत अच्छे सब, बहुत सारे गिफ्ट बहुत अच्छे हैं। और गाइस इस बार हम घर पे स्टे नहीं कर रहे हैं, और हम गाइस आप सोचोगे घर में नहीं बनाया मैंने, घर में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मतलब शिवम अभी आया नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि जब शिवम आएगा तभी कुछ अच्छा सा करेंगे, क्योंकि शिवम के बिना घर में मेरा बर्थडे ऐसा कुछ सेलिब्रेट करने का मन नहीं कर रहा। तो इसीलिए उन्होंने नहीं, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करा, ना मम्मी वगैरह ना करा। मम्मी कह रही जब शिवम ठीक ठाक अच्छे से कावर लेके आ जाएगा तब करेंगे जब कुछ अच्छा। तो इसीलिए कभी आप लोग बोलो कि मतलब भारी मनाया घर में नहीं करा, इस वजह से। तो बहुत अच्छा करा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नहीं गई थी। हाँ, सब बहुत मिस कर रहे थे मम्मी को, काश मम्मी होती मम्मी, क्योंकि ना फैमिली थी उन सब सारे, तो ये था कि मम्मी को तो अच्छा लगता सब ये होते, लेकिन फिर मम्मी कह रही है कि घर पे ताला लगा के जा सकते थे क्योंकि सीएम कावड़ लेने गया है। कोई नहीं, अभी मैं थोड़ा चेंज वगैरह कर लूँ, हालत थोड़ी सुधार लूँ चेहरे की, फिर सबसे बात करूँ। मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, और गाइस मैं रात को बहुत थक गई थी, सो गई थी, तो ये नेक्स्ट डे है। मैंने उस दिन घर पे बर्थडे नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भाई कावड़ लेके आएगा तब हम अच्छे से घर पर सेलिब्रेशन करेंगे। और आपको यहाँ तक ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। और हाँ, एक चीज़ और, आपने सबके वो तो देख ही लिए हैं गिफ्ट, सबने मुझे क्या क्या दिया, बट खुशी का गिफ्ट रह गया, क्योंकि खुशी ने मुझे वहाँ पर जो मैंने ड्रेस स्विमिंग पूल में पहनी थी वो मेरे लिए गिफ्ट ही था, क्योंकि मुझे नहीं पता था स्विमिंग पूल में है, तो खुशी मेरे लिए ड्रेस ले गई थी वहाँ पर। तो जो मैंने पहन रखी थी, जो मैं नहा रही थी, वो तो मुझे खुशी ने गिफ्ट करी थी, वो ये ड्रेस थी, ठीक है। और उसने एक और मुझे ये वाली ड्रेस दी थी, ये गाउन है, ये पूरा ये ऐसे लगे, ये ड्रेस मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी, ठीक है। तो खुशी का गिफ्ट ये था, और बाकी आपने सबका गिफ्ट देख लिया। अब एक गिफ्ट और रहना है, जो कि मैंने आपको इसमें दिखाया नहीं सबसे, बट वो मुझे पहले ही मिल गया था, मतलब जिसकी मुझे नीड थी। बाकी सारे गिफ्ट बहुत ही बहुत 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 ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। ये मुझे मन कौशिक जी ने दिए थे, ये मुझे बर्थडे से पहले दे दिए थे, क्योंकि मुझे नीड थी इनकी, तो ये है एयरपॉड्स, मुझे नीड थी इनकी, तो इसलिए उन्होंने मुझे पहले दे दिए थे। बोल रहे थे तुम्हें जरूरत है तुम ले लो। और यहाँ तक ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और मेरा बर्थडे इस बार का सबसे स्पेशल बर्थडे था, मतलब अभी तक यार मतलब काफ़ी पहुँच गया, अजीब लग रहा है। ये बर्थडे मेरे लिए अभी तक का सबसे बहुत स्पेशल बर्थडे था, बहुत ही अच्छा सरप्राइज था, जैसा मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसा बर्थडे था। मुझे कुछ भी नहीं पता था कैसे क्या था, लेकिन सच्ची में बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच आप सब लोग आए और इतना अच्छा मतलब मेरा बर्थडे बनाया, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और गाइस आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा और किसका गिफ्ट अच्छा लगा और क्या क्या अच्छा लगा इस ब्लॉग में, सब कुछ बताना, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं सबके कमेंट पढ़ती, सबके कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी। और बाकी इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, और थैंक यू सो मच मुझे इतनी सारी विशेस देने के लिए, सरप्राइज़ देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, थैंक यू सो मच सबका, लव यू टू ऑल, बाय।